अब चाचे मौसे ओला ना दिखाओ, जाकर के कोको कोला बनाओ। कहा बताए भैया, देखा तो बाराबंकी के बगल में राजधानी लखनऊ पड़ जाता है। लखनऊ के कुछ इलाकन में ओला बरसा रहा है और बाराबंकी के सरौली गौसू में भी ओला बरसा रहा है। हल्की हल्की मूसलाधार बारिश भी भई रहा है फतेहपुर और रामनगर में। कहा बताई भैया, कल बाराबंकी जिले के नवाबगंज तहसीलों में भी आंधी बहुत जोर से आई गिर है। हम तो छतह पर बैठ रहे भैया, एक बगैर तिरपाल बिछाए हुए, अतनी जोर से हवा हवा की पूछो ना, उड़ा लेगा तिरपाल, सनसनाए उड़ा लेगा। कोनो ऐसा नहीं बोल रहे, तुम देख सकते हो कतनी जोर से कल हवा चलत रहा है, सनसनाए हवा चलत रहा है बहुत जोर से भैया, आंधी तूफान आए गुआ है, हमार तो करेजा कहाँ पत रहा है। अब जैसे वक्त हालात जज्बात नहीं बदलते, वैसे कहा बताई संजा होते होते मौसम बदल गुआ। मौसम बड़ा मक्कार आदमी है भैया, कहा बताई कब बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सोमवार की शाम को भी अचानक से मौसम बदल गुआ, स्थिति बड़ी भैया खराब हो गई। तबाही का मंजर देखने को मिला, कहूँ पेड़ गिर गुआ, कहूँ भैया ट्रैक्टर पलट गुआ, कहूँ भैया बेचारा मोटरसाइकिल वाला गिर गुआ। अरे बड़ी दिक्कत रही भैया, अखबार में खबर छपी है भोरे भोर, हम कह तो बता दी, बाकी अगली खबर देख ली थन। अब यह देखो गया प्रसाद तिवारी जी के मकान के भैया बगल में खाली पड़ा प्लाट है, वहां पर देख लो दवाइयां फेंकी पड़ी रहे। मामला बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील के सुबहा का बताया जा रहा। वहीं पर भैया सुबहा वाली रोड किनारे स्थित यू गया प्रसाद जी का मकान पड़ जाता है, वहीं पर खाली पड़ा प्लाट है, जहां पर आप देख सकते हो कि बताओ दवा वहाँ फेंक दिन सरकारी। सीएससी अधीक्षक बताओ था कि जाँच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर ओम प्रकाश जी बताओ था कि भैया देखो है तो सरकारी दवाई की जाँच वाँच करके कार्रवाई की जाएगी कि आखिरकार किसने फेंका। ये सब बांटे वाली दवा है, अब सरकारी दवाई तो मिल नहीं रही और मिला था तो देखो फेंके दिए थे। अब ये सब दवाइयाँ बहुत उपयोगी दवा है भैया, खिलवाड़ ना समझो, कहाँ सोना इसे बहुत भैया चिंता का विषय, इस पर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आयरन की दवा है, कोई काहे की दवा है बताओ भैया, भारी मात्रा में दवा फेंकी गई, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल सीएमओ साहब को एक्शन लेना चाहिए। बाकी आपकी कार्यक्रम कीजिएगा, ज्यादा बोलो तो दिक्कत होती है कि लापरवाही किसकी आप लोग समझे सकते हो। बाकी अगली खबर देख ली थन। अब बाराबंकी जिले के दशहरा बाग वाली रामलीला तो चला ही रहे भैया। बाराबंकी जिले के धनोखा चक्र तीर पर देखा था बढ़िया केवट संवाद हुआ रहा है, नाउन भैया वाला कार्यक्रम हुआ रहा है। नगर पालिका के चेयरमैन शीला सिंह उनके साथ सुरेंद्र चचा देखो सब जने पहुंचे ना भैया, राम जी का आशीर्वाद लिया रहा है। राम जी सीता मैया लक्ष्मण जी देखो तीनों जने नाव की सवारी कर रहा है और बढ़िया गंगा नदी पार कर रहा है, केवट संवाद हुआ रहा है। हम कह तो दिखा दी कि धनोखा चक्र तीर तो बहुत आदेश चमचमार था, झमझमार था, क्या बात है, बिल्कुल भैया नैमी सारण जैसा दृश्य दिख रहा था। बाकी आपकी कार्यक्रम कीजिएगा, अगली खबर देख लेते हैं। अब यह देखो बाराबंकी जिले के उधवापुर में टैटस वाली दुकान खुली है, जिसका उद्घाटन करे खाते सुरेंद्र चचा पहुंचे ना भैया, उनके साथ देखा था। अरे हरिश्चंद्र वर्मा दिखाता रहा है, लकी भी रहा है, अरुणो रहा है, यू देखा मनसाराम का बात ठीक हो कि नहीं ठीक हो, पिंटू भी रहा भैया, हम क्या दिखा दी उद्घाटन हुआ रहा है, विकास वीडियो भेजी सर। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मैसेज को सुबह दबा लेंगे और आपकी कार्यक्रम।